दोस्तों सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस SUV के इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो जाने के बाद फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रोइन ने अपने दूसरे प्रोडक्ट सिट्रोइन C3 जो कि एक हैचबैक कम माइक्रो SUV होने वाली है के प्राइसेस को आज इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है। वैसे तो कंपनी ने जून 2022 से ही इसकी बुकिंग्स डीलरशिप पर स्टार्ट कर दी थी, बट अब आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मात्र 21,000 रुपए की टोकन मनी से इसे बुक कर सकते हैं। लाइव और फील दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाली इस कार के प्राइजेस ने अब एक और तगड़े कंपटीशन को इंडिया में जगह दे दी है। कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट को एक्स शोरूम मात्र 5.7 लाख रुपीस में लॉन्च किया है। वहीं इसका टॉप मॉडल जो कि 1.2 लीटर टर्बो इंजन होने वाला है उसकी कीमतें एक्स शोरूम 8.06 लाख रुपीस रखी गई है। प्राइजेस रिवील होने के बाद अब इसे टाटा पंच का तगड़ा कंपटीशन माना जा रहा है। अपने 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड अंडर पावर इंजन के साथ टाटा पंच को हमेशा से ही ट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से टाटा की ये माइक्रो SUV ना केवल अपने सेगमेंट की कारों को बल्कि सब कॉम्पैक्ट SUVs को भी सेल्स के मामले में टक्कर देती रही है। अब सिट्रोइन C3 इसके कस्टमर्स को कितना खींच पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम दोनों ही कारों को फुल कंपेयर करेंगे जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट कार को सेलेक्ट कर पाएं। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों कारों के प्राइजेस की तो एक तरफ टाटा पंच की कीमतें एक्स शोरूम 5.93 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल में 9.49 लाख रुपीस तक जाती हैं, वहीं सिट्रोइन C3 के बेस मॉडल की कीमत आपको एक्स शोरूम पंच से 22,000 रुपए सस्ती पड़ने वाली है। वहीं इसका टॉप मॉडल भी आपको एक्स शोरूम 8.06 लाख रुपए का पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के डायमेंशंस की, तो जहां पंच की लेंथ आपको 3,827 mm मिलने वाली है, वहीं C3 आपको लेंथ में 154 mm बड़ी यानी कि 3,981 mm की मिलती है। विड्थ की बात करो तो विड्थ में आपको C3 1,733 mm की मिल जाती है, वहीं पंच आपको 9 mm बड़ी यानी कि 1,742 mm के आसपास पड़ जाती है। हाइट में भी C3 पंच से थोड़ी छोटी है, अगर बात करूं तो 29 mm पंच इस बार बड़ी रहने वाली है। C3 की हाइट ओनली 1586 mm है। अगर व्हील बेस को कंपेयर करूं तो दोनों ही कारों में आपको 5 mm के कंपैरिजन के साथ व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। पंच जहां आपको 2545 mm का व्हील बेस प्रोवाइड करती है, वहीं C3 में आपको जस्ट 5 mm कम यानी कि 2540 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही कारों में व्हील बेस लगभग बराबर है, तो इंटीरियर में स्पेस भी आपको शायद बराबर ही देखने को मिले। ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरिजन की बात करूं तो यहां भी पंच C3 से आगे है। जहां C3 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं पंच 7 mm ज़्यादा यानी कि 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड कराती है। अब टायर प्रोफाइल की बात करूं तो पंच में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और 15 इंचेस के स्टील व्हील्स का भी आपको लोअर वेरियंट्स में ऑप्शन मिलता है। वहीं सिट्रोइन C3 में आपको ओनली 15 इंचेस के स्टील व्हील्स और डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही कारों में आपको आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन पावर ट्रेन की, तो पंच में आपको मिल जाता है 1200cc का रेवट्रॉन सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि जनरेट करता है 83 bhp की पावर और 113 Nm के आसपास इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहीं सिट्रोइन C3 में आपको 1200cc 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ साथ 1200cc का ही टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है। इसका 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 80 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसका 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन से आपको 108 bhp की बेस्ट इन सेगमेंट पावर मिल जाती है और 190 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो लोग अगर पंच के अंडर पावर इंजन की वजह से उसे नहीं खरीद रहे हैं, तो ये वाली कार आपको टर्बो में एक बेहतरीन ऑप्शन प्रोवाइड कराती है, तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो पंच में जहां आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, वहीं C3 में आपको ओनली 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। एक्सटीरियर से अगर कंपेयर करूं तो पंच में जहां आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वहीं C3 में आपको ओनली हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। पंच में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, बट C3 में आपको कोई फॉग लैम्प असेंबली नहीं मिलती है। पंच में जहां आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORBMs मिल जाते हैं, वहीं C3 में आपको टॉप वेरिएंट में भी मैनुअली ही घुमाना पड़ेगा।
पंच आपको रेन सेंसिंग वाइपर, रियर डिफॉगर, वॉशर जैसे फीचर्स प्रोवाइड कराती है। वहीं C3 में आपको टॉप वेरिएंट में भी ये टॉप नोच फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों इंटीरियर की अगर बात करूं तो पंच में जहां आपको 7 इंचेस का हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम 4 स्पीकर्स के साथ मिल जाता है, वहीं सिट्रॉइन में आपको पंच से बड़ा 10.25 इंचेस का 4 स्पीकर्स के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। दोनों ही कारों में आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। एक तरफ पंच जहां आपको रियर सीट आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल रियर नेकरेस्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड कराती है, वहीं अगर मैं बात करूं तो C3 में आपको टॉप वेरिएंट में भी ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब बातें आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट सेफ्टी की, तो पंच ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की रेटिंग अर्न करके अपनी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी को प्रूव कर चुकी है। वहीं C3 का क्रैश टेस्ट अभी होना बाकी है। वैसे दोनों ही कारों का कर्व वेट लगभग बराबर यानी 1035 केजी के आसपास है। पंच में जहां आपको 2 एयरबैग्स, ABS, सेंटर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, क्रैश सेंसर, EBS, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड तौर पर बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं, वहीं अगर सिट्रॉइन में बात करूं तो सिट्रॉइन में आपको 2 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, EBD, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर स्टैंडर्ड तौर पर देखने को मिल जाते हैं। अपने महंगे प्राइजेस और अंडर पावर इंजन की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली पंच को क्या C3 कंपटीशन दे पाएगी, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। C3 में वैसे फीचर्स भले ही कम हो बट पंच से कम प्राइजेस में इसमें आपको जरूरत की सभी चीजें मिलने वाली हैं। वैसे कम डीलरशिप नेटवर्क और इम्पोर्टेड सर्विसेज की वजह से ये हमेशा पंच से पीछे ही रहेगी, क्योंकि टाटा का भरोसा अभी भी इंडिया में कायम है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।